अस्सलाम व्यूअर्स, माय नेम इज़ वान चीमा। आई वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। आज की इस वीडियो में आपको मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज ईस्ट हार्मनी पार्क ब्लॉक के हवाले से एक्सप्लेन करूंगा इस वक्त वहाँ पे डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। इस वक्त मैं एक्सेस रोड 2 पे हूँ। जो आप चक्री रोड से आते हैं तो स्मार्ट सिटी का जो सबसे पहले बनने वाला रास्ता था एंट्रेंस के लिए, जो वाहिद रास्ता है अभी तक एक्सेस रोड 1 ओपन होने के बाद, ये सबसे पुराना रास्ता है। तो इससे अगर आप एंटर होते हैं तो आप सीधा ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक सी के सामने निकलते हैं। इस वक्त मैं आपको प्रॉपर एक्सेस रूट गाइड करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे जो ओवरसीज ईस्ट हार्मी पार्क ब्लॉक में डेवलपमेंट हो रही है या डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है उसके वाले से बताऊँगा। तो इस एक्सेस रूट 2 की अगर बात करें तो इसके एंट्रेंस होने के बाद लेफ्ट साइड पर आपका ओवरसीज प्राइम ब्लॉक है, और ओवरसीज प्राइम का सेक्टर ए और सेक्टर बी पहले आते हैं। और सेक्टर ए और सेक्टर बी के अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात है इस रोड की, कि इस रोड पे जो ओवरसीज प्राइम के 8 मरला कमर्शियल हैं वो तमाम के तमाम कमर्शियल मोस्टली इसी रोड पे लोकेटेड हैं। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लोकेशन है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल प्लॉट, क्योंकि अभी ये एरिया इंस्टॉलमेंट पर सोसाइटी ने इसको सेल किया था। 3.5 ईयर का पेमेंट प्लान था और विद इन 1.25 ईयर इसको डेवलप कर दिया गया है। ये पोजेशनेबल है, तो जो भी इंडिविजुअल चाहे अपने प्लॉट पे यहाँ पे पोजेशन लेके कंस्ट्रक्शन कर सकता है। सोसाइटी की तरफ से मेरे ख्याल है इस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। यही आपको अगर रास्ता लीड करता है टुवर्ड एक्सेस रोड 1 ब्रिज, जिसकी फ्रेट है 120 फीट या 110 फीट आई गेस, और इसकी जो लेंथ बनती है वो बनती है 450 रनिंग स्क्वायर फीट और रनिंग फीट। और इसके ये जो ब्रिज है बेसिकली ये सेल रिवर के ऊपर है, और ये आगे आपको लीड करता है टुवर्ड्स सेक्टर सी, जो सबसे ज़्यादा पहले बनने वाली जो स्मार्ट सिटी की पहली मस्जिद थी वो सेक्टर सी में, और जो पहला हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट है ग्राउंड प्लस 10 का लेक व्यू हाइट्स वो भी सेक्टर सी में ही बन रहा है। और उसके बाद आपको अगर राइट साइड वहाँ से जाएँ तो आपको ओवरसीज ईस्ट हार्मनी पार्क ब्लॉक की तरफ आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा गाड़ी तेज़ लाता हूँ ताकि आपको मैं ईजिली जाकर ज़रा वीडियो की लेंथ में शॉर्ट कर सकूं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा आइडिया मिल सके कि इस वक्त वहाँ पे हार्मनी पार्क की लोकेशन की डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। जहाँ तक बात है वैसे एक्सेस रोड्स की, तो एक्सेस रोड 2 हैं, इसमें एक्सेस रोड 1 और एक्सेस रोड 2 है जिनकी डेवलपमेंट तकरीबन 100% मुकम्मल है। और इसके अलावा जो लीनियर पार्क और बाकी चीज़ें हैं उन पर भी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रही है। ये एक्सेस रोड 1 के ऊपर राइट साइड पे एक बैशिंग प्लांट है, जहाँ से जितनी भी स्ट्रीट की कारपेटिंग वगैरह होती है या स्ट्रीट के जो एसफॉल्ट प्रोवाइड होता है वो इसी कंक्रीट बैशिंग प्लांट से होता है। और ये इसकी इंपॉर्टेंस ये कि स्मार्ट सिटी साइड पे इस वक्त इस तरह के 7 बैशिंग प्लांट ऑपरेशनल हैं। अभी हम आ गए हैं सेक्टर सी के बिल्कुल सामने, और सेक्टर सी की इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात कर दी थी कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर पहली मस्जिद बनी थी वो सेक्टर सी में बनी थी, और जो पहला हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसको सोसाइटी, इसके बारे में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ये जो ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक सी में बनने वाला हाई राइज कमर्शियल ग्राउंड प्लस 10 का लेक व्यू हाइट्स, इसकी शॉप्स को कब सेल किया जाएगा, और सेकंडली इसके जो अपार्टमेंट्स हैं वो कब सेल किए जाएंगे। फॉर द टाइम बिंग ये कंफर्म नहीं है कब इसको सेलिंग में लाया जाएगा, लेकिन इसकी जो बेसमेंट है वो सोसाइटी का अपना ट्रांसफर ऑफिस है, वो यहाँ पे होपफुली ईद के बाद शिफ्ट हो जाएगा, और कुछ सेल्स पार्टनर के ऑफिसेज भी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी जो है इसके डेवलपमेंट बेसमेंट की तकरीबन मुकम्मल है। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्राउंड प्लस 3 का स्ट्रक्चर जो है साइट पर मुकम्मल है। और इस ब्लॉक से यानी कि जो आप लेक व्यू हाइट्स राइट साइड अगर जाते हैं टूवर्ड्स ब्लॉक ई तो आपको हार्मनी पार्क ओवरसीज ईस्ट की लोकेशन मिलती है, जो मैं आपको दिखा दूंगा ऑन ग्राउंड। जब लास्ट टाइम मैंने विजिट किया था ऑलमोस्ट 3.5 वीक्स बैक, तो उस वक्त हार्मनी पार्क ओवरसीज ईस्ट में जो प्रॉपरली थोड़ी सी कटिंग वाला काम था इनिशियल वो स्टार्ट हुआ था। अभी हम शुरू में इसको कन्फ्यूज़ करते थे हार्मनी पार्क ओवरसीज ईस्ट को और चौहान डैम के प्रीमिसेस लैंड को, क्योंकि यहाँ पर एक मैप लॉन्च हुआ था चौहान डैम की प्रीमिसेस के साथ जो एरिया है इसको अभी तक लॉन्च नहीं किया गया, ना इसका कोई ऑफिशियली मैप लॉन्च हुआ है। और इसके बिल्कुल साथ ही एडजेसेंट चौहान डैम के अदर एंड पे यानी बैक साइड से आपको हार्मनी पार्क ओवरसीज ईस्ट की चौहान डैम का जो व्यू है वो प्रॉपरली मिलता है। इसके अलावा लेकिन इस एरिया से थोड़ा सा वो डिफरेंस है, राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये एरिया जितना बनेगा ये फ्यूचर में कमर्शियल हब होगी, और यहाँ पे जितनी वो आप कह लें लामायर और इस तरह की चीज़ें हैं ये डेवलप एरिया सारा, तमाम का तमाम एरिया डेवलप्ड है, और इस वक्त यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। लेकिन सोसाइटी की तरफ से हार्मनी पार्क ओवरसीज ईस्ट का पोजेशन जो है वो अभी तक ऑफर नहीं किया गया। लेकिन इस वक्त लेफ्ट साइड पे आपको एक दूसरी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, ये आई गेस 20 कनाल का प्रोजेक्ट है, और ये सिर्फ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, और इसका नाम है हार्मनी हाइट्स, और ये सोसाइटी की तरफ से इटसेल्फ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट है। अभी सोसाइटी इस पर कंस्ट्रक्शन जितनी है वो खुद ही कर रही है, और इसको अभी तक सेल में नहीं लाया गया। लेटेस्ट स्टेज जब ये सेल में आएगा तो इंशाल्लाह मैं इसके हवाले से आपको अपडेट कर दूंगा। अब इस वक्त जो मेरे लेफ्ट साइड पे एरिया आप देख सकते हैं, ये रोड की अच्छी बात ये कि रोड पहले ये दोनों साइड से कारपेट नहीं थी, और जो बीच में स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं ये नहीं लगी हुई थी लास्ट विजिट पर। इस विजिट पर अगर आप देखते हैं तो ये रोड एंड टू एंड कारपेट हो चुकी है टिल ब्लॉक ई, बल्कि नहीं ब्लॉक एफ तक जाती है रोड। और राइट साइड पे जो आपको कुछ एरिया अब लेवल नज़र आ रहा है
ये सारा एरिया जो बनता है, जिसकी लेवलिंग हो रही है, जो कुछ कंक्रीट आपको पड़ी हुई नजर आ रही है, ब्लॉक ई के बिल्कुल ऑपोजिट सामने, तो ये है हार्मनी पार्क ओवरसीज ईस्ट, जिसकी बैलेटिंग ई के बाद की जाएगी। और आपको यहाँ पे अगर लोकेशन चूजिंग का ऑप्शन मिलता है तो प्रेफर कीजिएगा, अगर आपको 3.5 मरला के प्लॉट में जितना चौहान डैम के नज़दीक प्लॉट मिल सके उतना बेहतर है। इस्लामाबाद की प्रीमिसेस में आपको किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे वाटर बॉडी मौजूद है वहाँ पे अगर आपको प्रॉपर्टी मिलती है और इतनी रीजनेबल रेट पे मिलती है, 15 लाख 16 लाख का रेट है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे ऑन ग्राउंड स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, सिर्फ व्यू देखें यहाँ पे सामने आपको, जिस तरह आपको E7, E6, F6 से आपको मार्गला का व्यू मिलता है, उस तरह का व्यू आपको मिलता है सामने, बिल्कुल पहाड़। और राइट साइड पे इसकी बिल्कुल बैक साइड पे आपके डैम है। तो आप कोई भी इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी के हवाले से अगर बात करते हैं तो आपकी जो सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी होती है उसमें 2-3 बातें होती हैं। 1 कि वो प्रॉपर्टी या तो कॉर्नर होती हैं तो पार्क फेस होती है, लेकिन आपको इस्लामाबाद में रहते हुए ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। मैं इस बात का चैलेंज कर सकता हूँ कि जहाँ पे आपको प्रॉपरली मार्गला व्यू मिले। ये बेसिकली जो पहाड़ है सामने, इस जगह का नाम है खैरी मूरत रेंज। जिस तरह मार्गला का व्यू एक्सपेंसिव एरिया, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी काउंट होती है E6, F6 की प्रॉपर्टी, और इसी तरह ये वाली जो प्रॉपर्टी है उस तरह एक्सपेंसिव काउंट होगी इन फ्यूचर। अभी सोसाइटी ने आपको ये पेनीज के रेट पर सेल किए हैं, यानी कि 3.5 मरला का प्लॉट 16 लाख 10 हज़ार रुपये का सेल करना, ये पेनीज के रेट हैं। फ्यूचर में जाके यही वाले प्लॉट आप देखेंगे कि एक लोगों की ख्वाहिश होगी कि यहाँ पर शायद प्लॉट अर्ली स्टेज पर ले लिया होता तो सबसे बेनिफिशियल ये वाले मेंबर्स होते हैं। सो दिस वॉज इट फ्रॉम डे। अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी बुकिंग वाले से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आप स्क्रीन अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।